हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और बिज़ी मैं इसलिए थी क्योंकि मम्मी डैडी कलकत्ता जाने वाले थे। सो पैकिंग, शॉपिंग, ये वो करके बहुत सारा काम था। सो कल ही गए हैं मम्मी डैडी कलकत्ता एंड अभी मैं घर पे लाइक अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। मैं फ़ोन में थोड़ा टाइम पास कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि जो बहुत सारे वायरल वीडियोज़ होते हैं स्पेशली कुकिंग के, वो देख रही थी। तो उसमें एक डिश और ऐसे कह लो एक रेसिपी मुझे इतना अच्छा लगा कि यार ऐसा लगा कि यार बनाते बनाना चाहिए। और फिर पूरा सेटअप रेडी किया किचन का, सब रेडी करके रखी हूँ। और फिर सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं नया डिश क्या बना रही हूँ और फिर मैं भी बनाती हूँ। अब क्या है डिश वो बताते हैं आपको। प्रिपरेशन देखकर तो आप लोगों ने अज्यूम कर लिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, हम यानी कि मैं। मेरे साथ अगर आप भी बना रहे हो तो ज़रूर शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बनाना। हाँ, लेकिन मैं भी आपको ये बता दूँ कि ये जो वायरल डिश है, जो रेसिपी है, वो मैंने इंटरनेट पे देखा और मुझे बहुत ज़्यादा मन कर के बनाते हैं। तो फिर हाँ, मैंने सारा प्रिपरेशन फटाफट कर लिया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं लाइफ में ये फर्स्ट टाइम केक बना रही हूँ। कैन यू इमेजिन, पहली बार केक बना रही हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे बनने वाला है। मैं लाइफ में पहली बार ही बेकिंग पाउडर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। सो विश मी लक, आई होप कि केक अच्छा बने और राजीव उसे खा के उसको टेस्टी बोले बोले ही नहीं टेस्टी सच में बने। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिए हैं, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है चॉकलेट पाउडर। ये चॉकलेट पाउडर जो है, मेरे पास पाउडर था नहीं इसका, चॉकलेट पड़ा था फ्रिज में, डार्क चॉकलेट था। सो कोई खा नहीं रहा था इतने दिन से, तो मैंने सोचा कि इसको अभी यूज़ कर लेते। तो इसको मैंने तोड़ के अच्छे से फटाफट इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, तो ये एकदम पाउडर हो गया देखिए। और अगर ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी लगता है ना, तो आप इसमें ना थोड़ा चीनी मिक्स कर सकते। बताना मत चीनी मैंने मिक्स किया, वरना राजीव नहीं खाएगा। और ये है शुगर पाउडर। नहीं नहीं मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने थोड़ा सा चीनी मिक्स किया है, थोड़ा सा थोड़ा मतलब ज़्यादा। और ये है मेल्टेड बटर। मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखा, जैसे प्रोफेशनल कुक रेडी करके रखते हैं सारा चीज़, सो दैट सब हाथ के सामने रहे और मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ है वो कहाँ है ना। और फिर है यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, ऑयल मैंने इस तरह से ले लिया है थोड़ा सा, मुझे उतना बड़ा कंटेनर निकालने मुझे बहुत कंटा लाता है, तो सोचा मैंने कि इसमें सब रेडी करके रख दूँ। और ये है दूध का कलर, देखिए कैसा हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो मिक्सर के वो जो मशीन या फिर जो कंटेनर रहता है उसमें हम सब मसाला पीसते हैं, तो उसमें मैंने चॉकलेट पीसा था और फिर उसको बिना वॉश किए उसमें मैंने दूध डाल के उसको थोड़ा सा मिक्सर में ऐसा ग्राइंड कर दिया। इसको कर सकते कोई बात नहीं, हम कर सकते, हम सबको वैसे भी मिक्स ही करने वाले हैं। और हाँ, आटा यानी कि फ्लावर, व्हीट फ्लावर आप ले सकते हो, तो इतना ही क्वांटिटी मैं यूज़ करूँगी। ये वाला जो कंटेनर है इसमें फुल है, मतलब थोड़ा सा कम है। और ये सबको मिक्स करके हम बनाएंगे, तो वो चटपट बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। गैस ऑन हो चुका है, सारा मेस हो गया यहाँ। तो जब तक ये गैस नहीं, ये तवा गर्म होता है तब तक हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो हमें लेना है ये बड़ा सा ऐसा कुछ, आपको हम लेना है। और फिर इसमें जितना भी ये फ्लावर है इसको डाल देना है। ठीक है, फिर इसमें जाएगा चॉकलेट पाउडर। और फिर इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर। शुगर मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि राजीव शुगर नहीं खाते, इसलिए शुगर डालना है। बस एक रन पहनना भूलिए, पहन लेते वरना कपड़ा गंदा हो जाएगा। मुझे कपड़े गंदे करना बिल्कुल पसंद नहीं किचन में, तो इसलिए एक रन पहन लेते हैं। तवा गर्म हो चुका है, इसके अंदर जा रहा है बटर, मेल्टेड बटर।
और हाँ, मेन इंग्रेडिएंट तो रह गया बनाना, तो लिया ही नहीं मैंने। हम बनाना पहले कट कर लेते हैं, मेन तो यही था। ये देखिए, हम बनाना को इस तरह से स्लाइस दो कर लेंगे और फिर इसमें बटर के अंदर। ये बनाना वाला फ्लेवर वाला केक आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि कितना सुपर टेस्टी लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। पाउडर इसमें जा रहा है, ये पूरा भर के एक स्पून जाएगा। पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा पर अच्छा तो दिख रहा है, गरम है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो फुल है, बहुत गरम है। तो मैंने उसको कट नहीं किया, मैं उसका ही टेस्ट कर रही हूँ। देखो, दिस इज यम्मी डिलीशियस, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि अच्छा बनेगा। Guys, this is yummy. Tempting लग रहा है एकदम। एकदम सॉफ्ट है। उसको फ्रिज में रख के खाएंगे ना और मजा आएगा। पहली बार के हिसाब से अच्छा लग रहा है, ब्राउनी ऐसा लग रहा है, बनाना फ्लेवर आ रहा है उसमें, अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसे कुछ वायरल डिश ट्राई कीजिए।